सोनभद्र में बंद पड़े प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट को सोमवार तक चालू करने का निर्देश। सोनभद्र जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने जिला संयुक्त चिकित्सालय के साथ कोविड 19 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस की किल्लत को देखते हुए पटवद और अनपरा के करहिया स्थित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। बता दें, इस दौरान जिलाधिकारी पटवद स्थित प्लांट में 88 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भरवाकर कोविड हॉस्पिटल भिजवाए। वहीं करहिया स्थित प्लांट के दो दिन से चालू करने का निर्देश दिया। इन प्लांटों के चालू होने से जिले को 300 ऑक्सीजन सिलेंडर रोज उपलब्ध हो जाएंगे। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के पहल पर चौपन ब्लॉक के पटवद व अनपरा के करहिया में ऑक्सीजन प्लांट जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह दोनों प्लांटों का दौरा कर जल्द नए बिजली कनेक्शन, नए ट्रांसफार्मर लगाकर दो दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट चालू करने के आदेश दिए। इन प्लांट के चालू होने से रोज 300 ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार होगा, जिसे कुछ हद तक ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकेगा। अभी जिले में सिंगरौली, झारखंड, छत्तीसगढ़ व बनारस में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। इसी बीच जिलाधिकारी ने जिले के विभिन्न इलाकों से 24 घंटे के भीतर 600 ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा करवाने का निर्देश जारी किया है। सभी 600 सिलेंडर को भरवाकर L2 हॉस्पिटल को भेजने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। इस संबंध में सोनभद्र जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज जो ये ऑक्सीजन प्लांट का जो निरीक्षण किए, इसमें क्या आपको लगा, कितना उत्पादन कर सकता है? वो जो प्राइवेट प्लांट था, आपकी जानकारी मिली जी, काफ़ी टाइम से बंद थे, तो उसको हम चालू करवा दें इमरजेंसी में। उनको जो मदद चाहिए, मालिक को उसको मदद कर रहे हैं। बिजली का भी सतौबत काम है, और इनकी एक डिमांड ये है कि बिजली की जो भी सिलेंडर सप्लाई थी, तो इनकी लाइन हमने चेंज करा दी हीटर में। तो कोशिश ये है कि संडे तक शायद अपने प्लांट का टेस्ट कर देंगे। टेस्ट कर लेंगे 300 सिलेंडर करीब बन सकते हैं या भर सकते हैं डेली। तो उससे जनपद की डिमांड जो हमारी 100-125 सिलेंडर डेली है, वो पूरी हो जाएगी अभी वर्तमान में। भविष्य में केस बढ़ेंगे तो ये कि हमको अभी हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ी बहुत सिंगरौली या फिर मिर्जापुर से मंगाते हैं, बनारस से मंगाते हैं, तो हर जगह लोड है। तो फिर एटलीस्ट ऑक्सीजन के लिए हमको अपने दूर दूर कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उम्मीद है कि संडे या मंडे तक ये प्लांट इनका चालू हो जाए, तो इसका निरीक्षण कर रहे हैं। तब ये बोला कि संडे की शाम को इसको टेस्ट करेंगे या मंडे। सर, उज्जैन की जनता की डिमांड है कि इसको कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाए, जब तक यहाँ पे वो देखते हैं। असल में कोविड अस्पताल सुदृढ़ ना हो जाए तब तक के लिए इसको, नहीं वो असल पूरा फैसिलिटी हमको देखनी पड़ती है कोविड अस्पताल का। और खासकर कोविड बचाने के लिए हमको ऑक्सीजन फैसिलिटी करनी होगी। पाइपलाइन का मैंने इनको बोला है कि 25 से 30 बेड का एक एस्टिमेट बना लें, तो हम इंजीनियर भेजे बनवा लेते हैं, फिर उसके हम फंडिंग करवा देते हैं। पहले ऑक्सीजन पाइपलाइन लग जाएगी, उसके बाद कोई ना कोई प्लांट या कुछ कुछ व्यवस्था कर देंगे कि सिलेंडर आगे लग जाए या कोई मशीन लग जाए जनरेटर। पाइपलाइन हम प्लान करेंगे, पाइपलाइन जल्दी से यहाँ लगवाएं 20 से 25 बेड की, ताकि किसी को छोटी मोटी इस तरह जरूरत पड़ दिया हो जाए। अगर सीरियस होगा तो हमारे L2 रॉबर्ट्सगंज या वाराणसी जाएगा। सोनभद्र से शिव नरेश की रिपोर्ट।